हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और कैरेबियन प्रीमियर लीग सीरीज की आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सेंट लूसिया ज़ूक्स के बारे में, जिन्होंने इस साल के सीपीएल ड्राफ्ट से पहले अपनी रिटेंशन लिस्ट को जारी कर दिया है। उससे पहले त्रिनबागो नाइट राइडर्स, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स, बारबाडोस ट्राइडेंट्स और गयाना एबिजॉन वॉरियर्स ने भी अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी थी। उनकी वीडियो भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो अगर मैं सेंट लूसिया के बारे में बात करता हूँ, टीम ने दो नई साइनिंग की है और टीम ने 6 प्लेयर्स को रिटेन किया अपनी पिछली बार की स्क्वाड से। अगर मैं नई साइनिंग्स के बारे में बात करता हूँ, सबसे पहला नाम आता है यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का। जी हाँ, क्रिस गेल इस साल सेंट लूसिया से खेलने वाले हैं, जो कि काफी बड़ी साइनिंग है सेंट लूसिया के लिए। जरूर से सेंट लूसिया की टीम इस बार क्रिस गेल के ऊपर रिलाय करने वाली, को अच्छी बैटिंग करेंगे टीम के लिए। और अगला नाम आता है वेस्ट इंडीज के अंडर 19 टीम के कैप्टन किमानी मेलियस का। किमानी मेलियस भी काफी टैलेंटेड प्लेयर, जरूर से इस साल सीपीएल में प्रोफेशनल क्रिकेट में अच्छी पारी खेलना चाहेंगे और सीनियर लेवल पर भी खुद को प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर मैं 6 रिटेन प्लेयर के बारे में बात करता हूं, तो सबसे पहला नाम आता है कप्तान डेरेन सैमी का। डेरेन सैमी 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुके अपनी कप्तानी के अंदर, जरूर से वो इस बार अच्छी कप्तानी करना चाहेंगे टीम के लिए। वो सेंट लूसिया के लोकल प्लेयर हैं और सेंट लूसिया के स्टेडियम का नाम भी डेरेन सैमी क्रिकेट स्टेडियम है, तो जरूर से डेरेन सैमी इस बार जबरदस्त खेलना चाहेंगे और अच्छी कप्तानी भी करना चाहेंगे टीम के लिए। अगला नाम आता है एंड्रे फ्लेचर का। एंड्रे फ्लेचर एक T20 के सुपरस्टार प्लेयर हैं, वो एक जेन्युइन मैच विनर और बहुत ही कमाल की बैटिंग करते हैं। वापस से ऐसा एंड्रे फ्लेचर बहुत ही जबरदस्त तेज पारी खेलना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। अगला नाम आता है बिग मैन रहकीम कॉर्नवॉल का। रहकीम कॉर्नवॉल हम सब जानते हैं सबसे भारी प्लेयर है क्रिकेट के, और पिछले साल वो ज़ूक्स की टीम में बेस्ट बैट्समैन रहे थे और उन्होंने बहुत ही कमाल की पारी खेली थी। उसके अलावा उनकी बॉलिंग भी काफी जबरदस्त है, इस वजह से वापस से रहकीम कॉर्नवॉल के ऊपर सबकी नजर रहने वाली है। चौथे प्लेयर आते हैं टिक मैन कैसिक विलियम्स, जिनकी नोटबुक बहुत ही ज्यादा फेमस है। पिछले साल हम सबको याद होगा विराट कोहली को इतना परेशान किया था कैसिक विलियम्स, वापस से वो एक T20 के जर्नल मैच में बॉलर, जरूर से इस बार भी वो जबरदस्त बॉलिंग करना चाहेंगे सेंट लूसिया की टीम के लिए। अगला नाम आता है ऑबर्ट मकॉय का। ऑबर्ट मकॉय ने पिछले साल बहुत ही कमाल की बॉलिंग करी है टीम के लिए, वापस से इस साल और मैच्योरिटी दिखाना चाहेंगे और अच्छी बॉलिंग डालना चाहेंगे। और आखिरी नाम आया केवम हॉज का। केवम हॉज भी काफी डिसेंट से बैट्समैन है, तो ये 8 प्लेयर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे इस साल पार्ट होने वाले हैं सेंट लूसिया ज़ूक्स की टीम का। पिछले साल ज़ूक्स बहुत ही खराब खेले, जरूर से इस साल अच्छा खेलना चाहिए ज़ूक्स और पहला खिताब जीतने की पूरी कोशिश करिए। आप बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि आपको कैसा लगा ज़ूक्स का स्क्वाड। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करना। अगर आप मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम, जरूर से मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे इसी तरह के अगली वीडियो के अंदर, और याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।